जे के बैंक जम्मू कश्मीर का अपना बैंक एक ऐसी स्कीम लेकर आया है आप लोगों के लिए कि उससे आपका फायदा होने वाला है और वो स्कीम ये है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो अपने घरों को इस तरह से डिजाइन करा सकते हैं कि उसमें आकर टूरिस्ट रहे यानी स्कीम को नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने घर को इस तरह से डिजाइन करें कि उसको होमस्टे बनाए कि बाहर से आने जाने वाले टूरिस्ट जो है वो वहां पर रह सकते हैं और ये स्कीम जो है कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ जे एंड के बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है लेकिन आप इस खबर को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे ये खबर क्या क्या रही है जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हैं कि टूरिस्ट के नाम से भी फेमस है बहुत से लोग जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर को कहा जाता है कि कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि लोग वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि हम स्वर्ग में आए हैं यानी चाहे टूरिस्ट जम्मू आए चाहे टूरिस्ट कश्मीर आए लेकिन फायदा उससे आप लोगों का होगा इस स्कीम के जरिए जेएनके बैंक एक स्कीम लेकर आया है जिससे आप लोग अपने घरों को होम स्टे बना सकते हैं होम स्टे यानी जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं वो आप लोगों के घर पर रह सकते हैं चाहे आप अपने घर में वो कमरे बनवा ले चाहे आप अपने घर को होटल की तरह बनवा ले चाहे आप अपने घर को एक छोटा बंगलो बना ले चाहे आप अपने घर को कुछ भी ऐसी सुविधा कर दे कि जहां पर आके जो है टूरिस्ट रह सकते हैं लेकिन ये स्कीम पूरी है क्या सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है जेएनके बैंक ने ये स्कीम आपको दी है लेकिन किसके कहने पर आपको दी है गवर्नमेंट के कहने पर आपको दी है क्योंकि टूरिस्ट क्या है जरूरी नहीं है कि बाहर के लोग ही जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं जम्मू के लोग भी बाहर घूमने जाते हैं जिस तरह से डोडा किश्तवाड़ बदरवा डुडू बसंतगढ़ की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग घूमने आते हैं उनका स्टे करने का मन करता है पर वो रह नहीं सकते उन्हें अपने अपने टेंट लगाकर रहना पड़ता है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं होती इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जे के बैंक को अप्रोच किया जे के बैंक को कहा कि आप लोगों को स्कीम दे यानी स्कीम दे वो अपने घर को बदले और अपने घर को होम स्टे बनाए किसके लिए टूरिस्ट के लिए और आपको बता दें कि ये उस स्कीम के बारे में आपको जाकर सिर्फ और सिर्फ किसी और से नहीं पूछना जे के बैंक से ही पूछना है बहुत जल्दी ये स्कीम पहले भी चल रही है और बहुत जल्दी ये स्कीम आ भी जाएगी लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहता है कि उसमें टच और फील कैसा रहे उसमें टच और फील जो हो वो जम्मू जैसा हो यानी जम्मू के डोगराज के जैसे घर होते हैं आप जानते हैं पक्के मकानों में टूरिस्ट रहना इतना पसंद नहीं करेंगे होटल्स में रहेंगे होटल्स को ऐसा बनाइए अपने घरों को ऐसे ट्रेडिशनल वे में सजाइए

क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने घर को होम स्टे में तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ कागजात चाहिए कागजात होगा आपका अपना प्रॉपर्टी का कागज होगा जिसे आप जो है जे एन के बैंक में जाएंगे और एप्लीकेशन दर्ज करवाएंगे इसी के साथ आप में उस प्री हिस्टोरिक टच रहना चाहिए आपके घर पर पानी की सुविधा होनी चाहिए खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए और आपके पास कुछ ऐसा भोजन हो जा होना चाहिए जो बाहर के आए हुए यात्रियों को जो है वो प्रभावित कर सके उसी के साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपको बता दें कि वो बहुत दूर रहती है टूरिस्ट जब घूमने आते हैं उनके पास वो रोड नहीं रहता आपके सीधा जो है वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए रोड के साथ और इसी के साथ आगे ये भी लिखा गया है कि आपको सारे कागजात तैयार करने हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या हो सकता है ये स्कीम सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए ही निकल कर आई है और सबसे पहले स्कीम में होगा कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी का जो है वो हिसाब लगा लें और एक कमरे के लिए आपको जे बैंक ढाई लाख दे रहा है चार कमरों के लिए आपको दस लाख मिल रहे हैं और तकरीबन अगर आप होम स्टे बना रहे अपने घर को तो उसमें आपके पास जो है वो दस लाख मिलेंगे चार कमरे होने चाहिए अपने घर को आप होटल के जैसे भी सजा सकते हैं बंगलो जैसे भी सजा सकते हैं गेस्ट हाउस जैसे भी सजा सकते हैं रेस्टोरेंट जैसे भी सजा सकते हैं जिससे टूरिस्ट का फायदा फायदा आपका भी है फिर छह महीने के बाद आपको जे के बैंक को पैसे वापस करने हैं और जे के बैंक को जब आप पैसे वापस करेंगे आपको ट्वेंटी जो है वो वापस करना है महीना महीना और पचहत्तर पचहत्तर साल से जो ऊपर होगा उसे जे के बैंक इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनाएगी ना ही उसे जे एन के बैंक जो है ये स्कीम देगी अब जे एन के बैंक क्या कह रहा है आगे जे के बैंक ये कह रहा है कि आपको हमारा लोन भी वापस करना है और आपको सिक्सटी इंस्टॉलमेंट में हमारा लोन वापस करना है और तकरीबन ये छह सिक्स मंथ के बाद आपको वापस करना है और पांच साल के अंदर आपको वापस करना है यानी उनका लोन और पचहत्तर साल का जो व्यक्ति होगा उसे लोन नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर से आपको परमिशन लेनी है कि आप अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं कन्वर्जन करा रहे हैं रिफर्निशमेंट करवा रहे हैं कोई नया फर्नीचर ले रहे हैं या कुछ भी रेनोवेट करवा रहे हैं उसकी परमिशन आपको लेनी है पहले आपको अपनी जगह के कागज बताना है कितनी जगह आपके पास है उसके बाद आप क्या क्या एड ऑन कर रहे हैं आपको वो भी बताना है और ऑनेस्टली हम आपको ये बता दें कि जे के बैंक ये जो स्कीम लेकर आया है इसमें आपको कुछ नहीं करना ऐसी जगह है जिस तरह डोडा किश्तवाड़ भद्रवाड़ जो टूरिस्ट प्लेसेस है उन्हीं को आप रेनोवेट करा सकते हैं उन्हीं को आप टूरिस्ट के लिए करा सकते हैं वैसा नहीं है कि मैं सिटी में रहती हूँ तो मैं अपने घर को जो है वो रेनोवेट करा लूँ कि मेरे घर में जो है वो टूरिस्ट आकर है जबकि मेरे घर वाली साइड कोई भी घूमने वाली जगह नहीं है जैसे हम सिटी में रहते हैं तो आप जो सिटी के लोग हैं ये स्कीम आपके लिए नहीं है जो लोग गाँव में रहते हैं गाँव देहात में रहते हैं जो लोग वहां पर रहते हैं रूरल एरियाज में रहते हैं रिमोट एरियाज में रहते हैं वो करवा सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पर पानी की फैसिलिटी रोड की फैसिलिटी रोड कनेक्टिविटी गाड़ी की फैसिलिटी होनी चाहिए कि टूरिस्ट को जो है वो सफर ना करना पड़े और आपको एक कमरे के लिए ढाई लाख चार कमरे तकरीबन होने चाहिए दस लाख और छह महीने के बाद वापस करना है पांच साल आपको लगेंगे वापस करने में और पचहत्तर साल से ऊपर व्यक्ति को जो है ये लोन नहीं मिलेगा और कुछ जे बैंक का क्राइटेरिया होगा वो आपको जे बैंक से पूछना पड़ेगा लेकिन ये स्कीम जो है वो टूरिज्म लेकर आया है ये स्कीम आपको कैसी लगती है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले इससे आपको अपलिफ्ट किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा लेकिन इसमें इंडियन टच डोगरा टच कश्मीरी टच जो है इनमें रहना चाहिए तो आप कुछ भी लें उसके लिए पैसे आपको जेएन के बैंक दे रहा है खबर आपको कैसी लगी इस खबर के बारे में बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि इस नई पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं